प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ पंकज और स्वागत है आपका लॉजिक गुरु में। जैसा कि आप जानते हैं, लॉजिक गुरु के माध्यम से हम आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं और आज का जो हमारा एक विषय है वो है मध्य प्रदेश राजपत्र के बारे में है, जो कि पटवारी परीक्षा से रिलेटेड है। देखिए, ये अभी पटवारी परीक्षा काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी सारे स्टूडेंट कैंडिडेट ने इस पर फॉर्म भरा है और इसके पदों को लेकर और CPCT की मान्यता को लेकर एक न्यूज़ मार्केट में सोशल मीडिया पर चल रही है। तो हमने उसकी जो देखा कि क्या ये न्यूज़ सच है या गलत है, तो उसके लिए हमने जो मध्य प्रदेश का जो राजपत्र जो रहता है, देखिए आपको ये URL भी लिखा है, यहाँ पर मिल जाएगा। ये जो मध्य प्रदेश का जो राजपत्र है, असाधारण राजपत्र जो निकालती है किसी भी प्रकार के करेक्शन के लिए जब निकालती है, तो ये राजस्व विभाग का जो राजपत्र है, मध्य प्रदेश का राजपत्र, ये देखिए इसमें ये है आपका दिनांक 7 नवंबर 2017 का है, ठीक है। और इसमें क्या बताया है इन्होंने, एग्ज़ाम तो अभी का है, ये अभी आप ध्यान दीजिए, एग्ज़ाम निकलने के बाद का है। तो इसमें आप देखिए, ध्यान से देखिए कि ये क्यों निकाला गया है। ये भर्ती नियम 2012 में निम्नलिखित संशोधन करते हुए, जो कि 1 अक्टूबर 2017 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे, मतलब कि 1 अक्टूबर से ये आपके लागू होंगे। 2000 भर्ती जो 12 के नियम है उसको, उसमें संशोधन किया गया है। तो क्या नए भर्ती नियम है वो हम आपको बता देते हैं, क्या भर्ती नियम है। वैसे तो राजस्व विभाग की जो पटवारी एग्जाम है उसके नोटिफिकेशन में सारे नियम लिखे हुए हैं, पर कुछ चेंजेस हैं जो यहाँ पर देखने लायक होंगे। तो आप बिल्कुल अंत तक इस वीडियो को देखें, देख के क्या निकल कर आते हैं वो। तो हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं और देख लेते हैं कि क्या भर्ती के नियम निकले हैं। तो लगभग तो वो सेम ही नियम है जो कि उसमें लिखे हुए हैं, पर दो एक चेंज है जो मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए पूरे नियम है इसके, आप देखते जा रहे हैं, उसमें हम नज़र डालते हैं। ये पटवारी के पद के लिए चयन जो है उसके लिए देख लेते हैं, ठीक है। तो वही प्रतियोगी परीक्षा होगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, बाकी तो सारे आपके वही नियम है, काउंसलिंग वगैरह, कलेक्टर जो नियुक्ति करेगा वगैरह, ये सारी चीज़ें वही है। आपकी गृह तहसील में आपको पद नहीं मिलेगा, सारे नियम वहाँ के वही है सारे। ये डिटेल में आप देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप डिटेल में जाके वहाँ इसे पढ़ें, ठीक है। एक यहाँ पे रूल्स, एक नियम है कि भैया जो पद पहले जो थे वो 11,622 थे, उसके स्थान पे उन्होंने 19,020 कर दिया गया है, ठीक है। तो राजपत्र में जो पदों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी की गई है, ये पदों की संख्या में बढ़ोतरी कर सकती है राजस्व विभाग, क्योंकि उन्होंने उसके जो नोटिफिकेशन दिया था पटवारी का, उस रूल बुक में भी लिखा हुआ है कि समय अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो शायद ये परिवर्तन किया गया हो पदों में, अब जो पहले 11,622 पद थे उसके स्थान पर जो कर दिया गया है वो 19,020 पद कर दिए गए हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा एक रूल है कि ये तो आपको पता ही है कि विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसके राजपत्र में मध्य प्रदेश के इसमें आपको देखने को मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में आप जाइए और वहाँ जाकर ये दो पॉइंट को डिटेल से देखें, और अब मैं चाहूँगा कि आप ये पूरा जो है वो डिटेल से आप डिटेल में इसको पढ़ लीजिए, संशोधन को। मध्य प्रदेश का राजपत्र है जो कि राजस्व विभाग की तरफ से आया है, और ये वेबसाइट भी आपको यहाँ पर दिख रही है, लिंक तो मैं दे दूंगा, वहाँ पर आप जाइए। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ों में पद है, तो चलिए पद हमें बढ़ा दी, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए अगर पद बढ़ा दिए गए हैं तो पटवारी के। लेकिन इस पूरे रूल्स नियम में कहीं भी CPCT का जिक्र नहीं किया गया, नहीं कोई कंप्यूटर डिप्लोमा का जिक्र किया गया है। तो क्या सरकार ने पटवारी परीक्षा से CPCT को हटा दिया है, ठीक है, और क्या कंप्यूटर डिप्लोमा तो पहले ही हटा दिया था उनने, तो क्या CPCT को भी अब सरकार ने इससे हटा दिया गया है। तो ये भी एक हमारे सामने प्रश्न उठता है इस राजपत्र के माध्यम से। अगर उसने हटा दिया गया है, अगर CPCT है, तो उसने इस बात का उल्लेख राजपत्र में क्यों नहीं किया है और हटा दिया गया है, तो अभी तक पटवारी के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वहाँ पे CPCT वाले ऑप्शन को डिसेबल कर देना चाहिए अगर उसको हटा दिया गया है। और बहुत अच्छी बात है, अगर हटा दिया गया है तो हमारे लिए बाद में हमें CPCT करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपने कर लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं CPCT, और अगर हटा दिया गया तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो ये एक न्यूज़ निकल कर जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी वो उसका हमने देखा मध्य प्रदेश के राजपत्र में। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप पटवारी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर IMP क्वेश्चंस वीडियो लेक्चर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे द्वारा, और एक प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। तो अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं कराया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप वीडियो को लाइक करिए, मोटिवेट होते हैं हम वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करिए।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। किसी भी आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना ना भूलें। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले वो कर लें। और नोटिफिकेशन आप चाहते हैं किसी प्रकार की, इस प्रकार की न्यूज़ या पटवारी के IMP क्वेश्चंस या पटवारी के लेक्चर्स की, तो नीचे दिए गए बेल बटन पर भी क्लिक कर लीजिए। थैंक यू।